हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के कई इलाकों में पतझड़, स्कैब, अन्य कई बीमारियां पनपने लगी हैं। इससे बागवानों की चिंता बढ़ने लगी है। बागवानों का आरोप है कि बागवानी विभाग के पास ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए प्रभावशाली दवाइयां ही नहीं हैं। इससे जहां सेब की फसल प्रभावित हो रही है, वहीं इन बीमारियों से फल पौधों को भी नुकसान हो रहा है। उधर विभाग के विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ऐसी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में स्कैब की शिकायत थी, वहां पर इस बीमारी पर समय रहते काबू पा लिया गया है। उन्होंने बागवानों को सलाह दी है कि बरसात के मौसम में मॉइस्चर अधिक होने के कारण बीमारियों का अधिक खतरा रहता है, इसलिए विभाग द्वारा सुझाए शेड्यूल के हिसाब से दवाओं का छिड़काव करें, बगीचों में घास आदि काटकर उन्हें साफ रखें। बागवानी विभाग के विशेषज्ञ जेसी वर्मा ने बताया कि स्कैब की बीमारी कुछ क्षेत्रों में थी, उसे समय रहते काबू किया गया। लोगों को शेड्यूल के हिसाब से दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा सुझाए शेड्यूल के अनुसार ही बागवान कीटनाशकों का छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में बगीचों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अधिक मॉइस्चर होने के कारण बरसात में बीमारियों का अधिक खतरा रहता है। सूरत में करना चाहिए, इस सूरत में भी जो दवाइयाँ लोग स्प्रे शेड्यूल के अनुसार जो दवाइयाँ सुझाई गई है उनका स्प्रे जो है वो 12 से 15 दिनों के इंटरवल के अंतराल पे यदि वो करते हैं तो जो है ये बीमारी नहीं आएगी। इसके लिए भी जो लोगों के बगीचों में घास यदि है वो एक मुख्य कारण रहता है, जिससे अधिक ह्यूमिडिटी, इसमें आर्द्रता जो है रहती है बगीचे में, और जिस वजह से ये बीमारी भी और स्कैब बीमारी दोनों बीमारियां जो है फैलती है। तो बागवानों से पुनः अनुरोध रहेगा कि भी वो अपने बगीचों में सफाई का विशेष ध्यान रखें। बागवान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में सेब बागवानों को बगीचों में तेजी से फैल रहे स्कैब की चिंता सता रही है। सेब के बगीचों में तेजी से फैल रहे स्कैब की विभाग के पास प्रभावी दवा नहीं है। विभाग के पास पुराने जमाने की दवाइयां हैं, जबकि मार्केट में कई अच्छी और प्रभावी दवाइयां हैं। बीमारी इस टाइम जो मेन बीमारी स्कैब है, अल्टरनेरिया भी फैल रहा है, पतझड़ कह सकते हैं उसको जी, और स्कैब को लेकर इनके पास कोई दवाई नहीं है। पहले इनके पास आती थी M45 डोडिन वगैरह, इस टाइम विभाग में ना डोडिन है ना M45 है, और ये दवाइयाँ हैं ये जो है बाबा आदम के टाइम की दवाइयाँ। अब लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, जैसे आपका नेटिवो है, एरागोन है, ओबिरोन है। बागवान राजाराम देष्टा ने बताया कि वर्तमान में पतझड़ और स्कैब की दवा विभाग के पास प्रभावी नहीं है। कई इलाकों में बागवानी विभाग के अधिकारियों के पद भी रिक्त हैं, न ही जागरूकता से जुड़ी विभागीय गतिविधियां हो रही हैं। सेब की तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे को अल्टरनेरिया, स्कैब तो कम परसेंट में है, स्कैब जो है और पतझड़ है। दूसरा वहाँ विभाग का कोई इंस्पेक्टर ही नहीं है जो कि बगीचों को अटेंड कर सके, खासकर हमारे एरिया में नैन बाली रामपुर के ब्लॉक के अंदर। तो और बाकी तो अभी ऐसा है, लेबर प्रॉब्लम आएगी, और सेब की पीछे तक फरवरी तक तो ठीक दवाइयाँ मिल रही थी, अब वो दवाइयाँ नहीं आ रही, और नए जो इनके नए शेड्यूल की दवाइयाँ हैं, महंगी वाली दवाइयाँ, वो गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर रही है।